सर हो गया। यहाँ पे अपन क्या लिखने वाले हैं, ये जो भी एक कॉस ए लिखा है इसके डिवाइड में आ जाएगा कॉस बी, और इक्वल में क्या हो जाएगा एम, एम के डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो ये हो गया प्लस, तो ये हो गया कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस बी, ये हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस बी इज इक्वल टू एम प्लस वन अपॉन एम माइनस वन। कॉस ए प्लस बी क्या हो जाएगा भाई, टू कॉस सम डिवाइड बाय टू इनटू कॉस difference divided by 2 is divided by, ये हो जाएगा 2 sin a plus b by 2 और cos a minus cos b होता है sin b minus b, मतलब b minus a upon कितना हो जाएगा 2 is equals to हो गया m plus 1 upon m minus 1, ये 2 से 2 cancel out हुआ, तो बन गया अपने पास में cos of a plus b by 2 और ये sin a plus b by 2, ये हो जाएगा cot of a plus b by 2 हो जाएगा भाई। यहाँ पे लिखा हुआ है cos of a minus b by 2, लेकिन यहाँ पे b minus a by 2 है, तो अपन अच्छे से जानते हैं कि cos of a minus b by 2 जो लिखा हुआ है इसके अंदर अगर मैं ऐसा लिख दूं cos of minus, अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ पे b minus a by 2 तो हो जाएगा। yes, sir. Okay. और cos of minus theta अपना क्या होता है, cos theta ही तो होता है बेटा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये cos of plus ही हो जाएगा, b minus a by 2 ही हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? yes, sir. तो ये cos b minus a by 2 भी लिख ही सकते हैं इसको, तो cos of b minus a by 2 और sin of b minus a by 2 क्या हो जाएगा, cot of b minus a by 2, अब ये राइट हैंड साइड में जाके is equals to m plus 1 upon m minus 1, इधर ये डिवाइड में चला जाएगा, तो हो जाएगा cot of a plus b by 2 is equals to हो जाएगा m plus 1 upon m minus 1, और ये हो जाएगा 1 upon में आ जाएगा cot of b minus a by 2, तो ये cot divide में ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा in terms of tangent हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cot of a plus b by 2 is equals to m plus 1 upon m minus 1 into ये हो जाएगा tan over b minus a by 2। क्लियर है वाली बात बेटा अच्छे से? Yes, sir. आया क्या अच्छे समझ में? Yes, sir. Okay, बेटा जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। बड़े आगे बेटा? यस सर। ओके, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ एन टाइम्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन टाइम्स sin of theta plus 2 alpha then prove that tan of theta plus alpha cot alpha is equals to m plus n upon m minus n, ये prove करना, जल्दी से prove करना।
क्या बेटा? सर एक सेकंड. सर हो गया. तो क्या क्या होगा भाई, यहाँ पे m और n में रिलेशन दिख रहा है, तो यहाँ पे इसको अपन क्या लिख सकते हैं, m अपॉन n कर देते हैं भाई. इधर n को डिवाइड में ले जाते हैं और इधर sin थीटा को उसके डिवाइड में कर देते हैं. तो sin ऑफ ये हो जाएगा थीटा प्लस 2 अल्फा इज डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा sin ऑफ थीटा. क्लियर है वाली बात बेटा? अच्छे से ओके. अब इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड लगा डालो, तो ये हो जाएगा m प्लस n अपॉन m माइनस n इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा क्या भाई, साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा, और साथ ही साथ क्या आ जाएगा, प्लस साइन थीटा इज डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा क्या भाई, साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा, ये हो गया c, और माइनस ये हो जाएगा d साइन ऑफ थीटा. यहां तक क्लियर हो गया बेटा अच्छे से सबको? ओके, तो देखिए जरा, ये हो जाएगा m प्लस n अपॉन m माइनस n इज इक्वल्स टू, ये हो गया साइन c प्लस साइन d, तो ये हो जाएगा 2, और जैसे यहाँ पे करोगे क्या, साइन के अंदर इनका सम डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो सम कितना हो जाएगा, थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा, डिफरेंस डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा ही हो जाएगा, सॉरी कॉस अल्फा, डिफरेंस इनका क्या हो जाएगा, थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस थीटा ही कैंसिल आउट हो, तो यू आर 2 अल्फा, 2 अल्फा बाय 2 करोगे तो हो जाएगा अल्फा. क्लियर है बेटा? ये अच्छे से डिफरेंस की बात करोगे तो 2 कॉस थीटा प्लस अल्फा हो जाएगा और साइन के अंदर अल्फा हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बेटा. ओके, तो ये हो गया अपने पास एम प्लस एन अपॉन एम माइनस एन इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, टेन ऑफ थीटा यहाँ पे कितना है, थीटा प्लस 2 अल्फा, सॉरी अल्फा ना, थीटा प्लस अल्फा इनटू ये क्या हो जाएगा अपना कोट अल्फा. क्लियर है वाले बेटा जी? अच्छे से आया समझ में सबको अच्छे से बेटा ये? यस सर. यस सर. एनी डाउट? नो सर. कोई डाउट नहीं बेटा यहाँ तक? सबको अच्छे से क्लियर, क्लियरली समझ में आया हुआ सब कुछ? यस सर, ये वाले क्वेश्चन तो इजी है. हाँ ओके, चलिए तो ये हो चुका है तुम्हारा, ट्रिग्नोमेट्री का कंपाउंड एंगल कंप्लीट हो चुका है. ये फर्स्ट पार्ट है, पार्ट फर्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्री का है वो अपना कंप्लीट हो चुका है, कंपाउंड एंगल जो है ये कंप्लीट है. अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और इनइक्वालिटीज. यस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज और सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल है ना, ये तीन पोर्शन होते हैं इसके बेसिकली. तो इसमें से कंपाउंड एंगल अपना कंप्लीट हो चुका है. तो अभी ये बताइए तुम लोग मुझे ये बताओ कि अभी ट्रिग्नोमेट्री को ही कंटिन्यू रखें या कोई दूसरा टॉपिक शुरू करें? सर जैसा आपको ठीक लगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री चलते हुए काफी टाइम हो गया, तो कहीं ऐसे तुम सर एक महीने से ज्यादा हो गया, एक महीने से ज्यादा हो गया. तीन जून को चालू हुई थी. ओके. चलिए तो फिर ऐसा करते हैं, एक बार के लिए कोई दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं, वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर से आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन उठा लें, ठीक है ना? यस. तो इस संडे तुम्हारा सेट्स वाला चैप्टर करवा देते हैं. सेट्स वाला चैप्टर? यस सर, एनसीईआरटी. कहे स्कूल में आ रहा है क्या कोई एग्जाम वगैरह में? स्कूल में यही करवा रहे हैं अभी, इसलिए बाकी आपको जैसा ठीक लगे. नहीं, स्कूल में क्या करवा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है या क्या चल रहा है? ये सेट्स वाला चैप्टर करवा दे, स्कूल में वैसे इतना है नहीं,
ओके चलो कोई बात नहीं बेटा, तो अपना जो YouTube वाला जो चैनल है उसपे सेट्स का टॉपिक अपन ने डाला हुआ है, तो वहां से भी देख सकते हो, ठीक है ना? ओके सर, आप दूसरा चैप्टर करवा दीजिए। नहीं बेटा बेसिकली वैसे तो ढंग से पढ़ाए तो एक दिन का ही है, डेढ़ घंटे की एक क्लास काफी है सेट्स के लिए, ठीक है ना? यस सर। तो जिसको भी अगर जरूरी हो, जो भी स्कूल में अगर जो भी टॉपिक चल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट लगभग 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 अपन ने यूट्यूब पे डाली रखी है सारे, तो वहां से चेक कर लेना एक बार के लिए, जो 12th की जो न्यू 12th की जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा। ओके ठीक है बेटा। यस सर। दूसरा मैं तुम्हें बताना भूल गया, संडे को तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट होगा भाई, ठीक है ना? ओके यस सर, वो बताया था अभी, तीनों सब्जेक्ट का टेस्ट है संडे को। अच्छा ऐसा क्या? और होमवर्क के लिए तुम्हारे पास है एक्सरसाइज 1। मॉड्यूल सेंड कर दिया क्या था क्या मैंने? नो सर, नहीं किया क्या? चलिए तो मॉड्यूल का एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करना है, वो मैंने बना के रखा हुआ, बस सेंड करना भूल गया था, ठीक है ना? ओके सर। ओके बेटा बाय। बाय सर। बाय बेटा। थैंक यू सर।